सुजानगढ़ शहर की स्टेशन रोड स्थित अग्रसेन टावर में पहले तल्ले पर स्थित प्रजापति मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर पर चोरों ने धावा बोल दिया और लाखों की मोबाइल एक्सेसरीज व मोबाइल चोरी करके ले गए हैं, जिनमें करीब 60 मोबाइल ग्राहकों के शामिल बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी में अग्रसेन टावर के बाहर एक बाइक पर तीन व्यक्ति सवार होकर नजर आ रहे हैं। वहीं टावर में घुसे लोगों में एक लड़की भी सीढ़ियों पर चढ़ती दिखाई दे रही है। दुकानदार पवन कुमार पुत्र पुखराज प्रजापत निवासी भोजलाई बास ने बताया कि रविवार को दोपहर करीब 3 बजे में दुकान मंगल करके गया था। सोमवार को सुबह दुकान पर काम करने वाला मोहित आया तो उसने पाया कि दुकान के ताले टूटे हुए थे, जिस पर उसने मुझे सूचना दी। हम लोगों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने मौका मुआयना किया है। दुकानदार पवन कुमार ने बताया कि करीब मोबाइल बैटरी के 350 नग, मोबाइल टच के करीब 300 नग, कॉम्बो के 50 नग, कीपैड मोबाइल डिस्प्ले के करीब 150 नग, एक लैपटॉप व 25,000 रुपये नगद चोरी हो गए हैं। इसी प्रकार ग्राहकों से रिपेयरिंग के लिए आए हुए 60 मोबाइल चोरी हो गए हैं। चोरी गई माल का नुकसान 5 से 6 लाख के बीच बताया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने में जुटी है। हालांकि आगामी कार्रवाई परिवादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस करेगी। दूसरी ओर अग्रसेन टावर में जाने के मुख्य रास्ते से प्रवेश करने की बजाय चोरों ने गैलरी से प्रवेश किया ताकि वो सीसीटीवी कैमरों से बच सके, लेकिन कुछ सीसीटीवी कैमरों में चोर कैद हो गए हैं। और मैं शॉप है फर्स्ट फ्लोर पर प्रजापति मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर। आज सुबह 9 बजे मेरा लड़का आया था शॉप ओपनिंग के लिए, मोहित नाम है उसका। वो आया तो उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया अपनी शॉप के लॉक टूट गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आया घर से तो मैंने देखा कि एक तो बाहर लगता है मेरा लॉक वो भी टूट गया और अंदर से पूरा माल क्लियर हो गया। मतलब मेरे को 5 लाख रुपए का लॉस हो गया, जिसमें कस्टमर्स के मोबाइल थे, बैटरियाँ थी, टचें थी, कॉम्बो वगैरह थे, मोबाइल की डिस्प्ले वगैरह थी और केस पड़ा था 25,000, वो भी चोरी हो गया। मेरा एक लैपटॉप भी चोरी हो गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी? पुलिस को मामले की जानकारी दी है। पुलिस आके गई थी, उन्होंने सिर्फ मेरा नाम, मोबाइल नंबर लिया, सीसीटीवी कैमरे की जानकारी ली। उसके बाद उन्होंने बोला हम लोग रिटर्न आएंगे।